हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें स्वैप करने केस। स्वैप करने का मतलब होता है जो भी बड़ा कैपिटल लेटर से छोटा करना है, छोटे वाले को बड़ा करना है, विदाउट यूजिंग टू अपर केस और टू लोअर केस मेथड, और टू अपर केस और टू लोअर केस मेथड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे लेवल का बनाती है। देखो, पिछले ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें स्वैप केस करना था, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि हमें इनबिल्ट मेथड या ये वाला लोअर केस और अपर केस का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने वो वाला क्वेश्चन भी कवर कर रखा है, वो प्री बोर्ड में भी आ रखा है बच्चों का। ठीक है ना, तो मैं उसको लगा दूंगा आई बटन पे या एंड में लगा दूंगा, तुम तो उसको भी देख लेना, उसमें हम मेथड का हमने उसमें यूज़ किया है। ठीक है, और अभी मैंने इससे पहले ही एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में मिला था, मिलेगा जो पूरा कैपिटल में होगा, हमें उसे लोअर केस में करना था, वो भी बिना लाइब्रेरी मेथड के यूज़ के। तो वो भी मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखी है उसको देख लेना। वहाँ पर सिर्फ ये था कि भाई हमें बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रिंग मिलेगा वो कैपिटल में होगा, तो बस हमें उसे लोअर केस में करना था। लेकिन ये क्वेश्चन इन सबका एडवांस लेवल है, क्योंकि इसमें बोला है हमें कैपिटल भी मिल सकता है, हमें लोअर केस भी मिल सकता है। और तुम्हें यहाँ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिख रही होगी, हमें क्वेश्चन मार्क भी मिला है। तो क्वेश्चन मार्क वैसा का वैसे ही रहा, ठीक है, स्पेस है, स्पेस वैसा का वैसे ही रहेगा, बस जो अल्फाबेट है। तो हमें यहाँ पर तीन, देखो अब इसका जो लॉजिक है वो समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इसको समझ लिया ना तो तुम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर तीन टुकड़ों में हमारा प्रोग्राम का लॉजिक टूटेगा, एक तो बड़ा लेटर उसके लिए, एक छोटा लेटर उसके लिए, और एक उनके अलावा कुछ भी हो उसे हमें वैसे का वैसे ही चिपकाना है। मतलब अगर मेरे पे कैपिटल लेटर आता है तो उसके लिए लॉजिक मैं ये बनाऊंगा कि मेरे को उसे स्मॉल में कैसे चेंज करना है। मेरे पे स्मॉल लेटर आता है तो उसके लिए लॉजिक ये बनाऊंगा कि उसे मैं कैपिटल में कैसे चेंज करूंगा। ठीक है, तीसरा लॉजिक ये है कि इनके अलावा कुछ भी आ जाए, इनके अलावा मतलब जैसे कोई नंबर आ जाए, स्पेस आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि अल्फाबेट के अलावा किसी और का हम केस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये करना है हमें। इतना समझ में आया? तो लॉजिक हम तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे जब कंडीशन लगाएंगे, कि एक तो हम कैपिटल लेटर के लिए, स्मॉल लेटर के लिए, और तीसरी एल्स लगा देंगे जिसमें बाकी सब हम सीधा सीधा चिपका देंगे। अब इससे पहले मैं तुम्हें इसका वो समझाऊं, सीधा कोड समझाऊं, तुम्हें एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो इसका लॉजिक है हमने वो वैसे पिछले क्वेश्चन में समझ रखा है जिसमें हमने कैपिटल को लोअर केस बनाया था। तो वहाँ पर हमने 32 ऐड किया था, वो मैंने पूरे डिटेल में समझाया। ठीक है यार, तो उसको समझ लो, क्योंकि हमने वहाँ पर 32 ऐड किया था। क्यों किया था 32 ऐड? क्योंकि हम जो हमारा अपर केस था उसको लोअर केस में चेंज कर रहे थे। अब अगर हमें लोअर केस को अपर केस करना है तो क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, 32 माइनस करूँगा। ठीक है ना, देखो 32 का जो डिफरेंस है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर सेम सेम के बीच में जो एस का वैल्यू है उनका डिफरेंस होता है। तो 32 को अगर तुमने ऐड कर दिया किसी में तो तुम्हें उसका छोटा वाला लेटर मिल जाएगा, एस का वैल्यू उसकी मिल जाएगी। और अगर 32 को तुमने माइनस किया छोटे वाले में से तो तुम्हें उसका बड़ा वाला मिल जाएगा, जो बड़ा वाला उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर होगा। तो ये दो चीज़ें हमें पता चली कि +32 और -32 करूंगा एस का वैल्यू में, तो कॉरस्पॉन्डिंग में बड़े की छोटी वाली वैल्यू, छोटे की बड़ी वाली वैल्यू निकाल लूंगा। इतना समझ में आया? अब जिसको ये नहीं पता कि 32 ऐड क्यों कर रहे हैं और कैसे मैंने करा था, तो वो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये समझा रखा। अगर तुमने वो देख ली तो ये वाला तुम आराम से एक बार में समझ लोगे और आराम से इसका कोड बना लोगे। तो इसका मैं तुम्हें सीधा कोड समझाता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट में लिया, ठीक है ना, और स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एक लूप चलाया स्टार्टिंग से एंड तक, स्ट्रिंग के शुरुआत से लेकर के एंड तक चलाया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? मैंने तुम्हें बोला था तीन कंडीशन लगेंगी, तो देखो तीन कंडीशन लगी है, इफ एल्स, इफ और एल्स। और यहाँ पर कमेंट करके लिख भी देना ये वाली हम किसके लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है, देखो ये ग्रेटर देन 65 है और लेस देन और इक्वल टू 90। मैं भी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है ना। मैं कंडीशन में लिख देता हूँ, फॉर ये है कैपिटल लेटर्स और ये वाली है और स्मॉल लेटर, उनको उनको हैंडल करने के लिए। अब देखो तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, जो बड़ा ए होता है उसकी एस का वैल्यू होती है 65 और जो छोटा ए होता है उसकी होती है 97। अब ये दो तुमने याद रख लिए तो तुम उसके आगे की हर किसी की निकाल सकते हो। 65 में अगर तुम 25 ऐड करोगे तो तुम्हें जेड की मिल जाएगी, ठीक है। 26 मत करना, 25 करना, क्योंकि 65 ऑलरेडी ए की होती है, तो उसमें 25 और जोड़ेंगे तो हमें जेड की मिल जाएगी, ठीक है। तो जेड की अगर मैं 65 में 25 जोड़ूँ तो 90 होती है, तो वो कैपिटल जेड की है, ठीक है। तो कैपिटल ए की मेरे पे मिल गई, तो सीक्वेंस में चलता जाता है, तो कैपिटल जेड की तुम आराम से काउंट करके भी निकाल सकते हो 26 तक, वो भी कर सकते हो। छोटे ए की मैंने बोली थी कितनी होती है, 97, तो उसमें अगर तुम 25 ऐड करोगे तो 122 आता है, तो तुम्हें छोटे जेड की मिल जाएगी। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई, देखो मैंने तुम्हें बोला था पहले तो हम बड़े वाले और छोटे वाले के लिए कंडीशन लगाएंगे। तो हमने कंडीशन ये लगाई कि मेरा अगर एस का करेक्टर आई पोजिशन वाला, मतलब एस मेरी स्ट्रिंग है उसका करेक्टर आई पोजिशन वाला, आई की वैल्यू कहाँ से आ रही, लूप से आ रही,
लूप हर बार चलता जाएगा जीरो इंडेक्स से लेकर एंड तक। तो जब जब यहाँ पर जीरो वैल्यू आएगी तो जीरो वाले इंडेक्स का करेक्टर मेरे पास आ जाएगा, जब वन वैल्यू आएगी तो वन वाले इंडेक्स का करेक्टर मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेथड इतना इतना जो मैंने हाईलाइट किया है एस डॉट एयर एट आई, ये मेरे को करेक्टर निकाल के देता है। पर मैंने तो लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, और 65 जो कि इंटीजर वैल्यू हुई ना, तो मतलब मेरे को करेक्टर को तो मैं वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसके आगे इंट लिख करके इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया है। टाइप कास्ट मतलब उसको दूसरे टाइप में चेंज करना, तो मैंने इसको इंटीजर बनाया। इंटीजर बना के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, करेक्टर को जब इंटीजर बनाते हो तो उसकी एस्के वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कुल मिला के इतना हिस्सा जो मैंने लिखा है ये मेरे को इसकी एस्के वैल्यू देगा, किसकी देगा, जो आई पर करेक्टर, जो आई पोजिशन पर जो करेक्टर होगा उसकी। तो उसकी मैंने एस्के वैल्यू चेक करी कि क्या भाई वो 65 से बड़ी या उसके बराबर है। अब किसकी होगी 65 से बढ़िया उसके बराबर, 65 की जो 65 है वो किसकी वैल्यू होती है, वो कैपिटल ए की होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये चेक हो रही कंडीशन की भी क्या मेरा जो करेक्टर है वो कैपिटल ए या उससे बड़ा है, और कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 90, और कैपिटल जेड या उससे छोटा है। तो कुल मिला के ऐसा हो रहा है मैंने दो बाउंड्री बना दी कि कैपिटल ए और कैपिटल जेड इनके बीच का मैं चेक कर रहा हूँ ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। तो अगर इनके बीच में कुछ भी मेरे को मिलता है तो वो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वो कैपिटल लेटर होगा जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट का होता है ए से लेकर जेड तक, उनके बीच में कुछ भी। तो ऐसा मेरे को अगर मिलेगा तो मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट नाम की एक स्ट्रिंग बना रखी थी, उसमें मैंने उस करेक्टर को कन्वर्ट किया पहले तो उसकी एस्के वैल्यू में, ठीक है। फिर उसकी एस्के वैल्यू जो भी मेरे को मिली उसमें 32 ऐड करके मैंने उसके छोटे वाले, जो छोटा वाला लेटर है उसकी एस्के वैल्यू निकाल ली। मैंने प्लस 32 कराया ना, छोटे वाले की मिल गई, वापस उसको करेक्टर में चेंज किया तो छोटे वाले की वैल्यू से वापस करेक्टर मैंने बनाया और उसको फिर मैंने यहाँ ऐड कर दिया। तो मतलब हुआ यूँ, बड़े वाला करेक्टर को मैंने छोटे वाले में कन्वर्ट कर दिया है। देखो अगर ये समझ में नहीं आया ना ये जो ये खतरनाक सा लॉजिक क्या लिखा हुआ, ये मैंने इसकी जो दूसरी वीडियो में बता रहा हूँ तब से, जिसमें मैंने कैपिटल से स्मॉल बनाया वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख लेना। और उससे सिमिलर वीडियो भी है मेरी जिसमें हम वॉवल को नेक्स्ट लेटर से कन्वर्ट करते थे या हम अपने अल्फाबेटों को नेक्स्ट अल्फाबेट से कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। मेरी पॉपुलर वीडियो हैं या मेरी स्ट्रिंग की वीडियोज़ हैं और जो मेरी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर 2024 करके, उसमें वो सारे मैंने वीडियो डाल रखे, तो वहाँ पर जाकर भी तुम देख सकते हो। सेम लॉजिक है वहाँ पर, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन को देख लेना। तो यहाँ पर होगा यूँ, वो उस कैपिटल वाले को क्या करेगा, छोटा करके चिपका देगा हमारी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में, ठीक है। पर मान लो मेरा जो इनपुट है उसमें कैपिटल नहीं आया, स्मॉल आया, तो स्मॉल वाला यहाँ एल्स इफ में लिखा है, अगर स्मॉल आएगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि भाई 65 से लेकर के 90 के बीच में सिर्फ कैपिटल लेटर होते हैं, फिर नीचे आएगा वो इफ तो चलेगा नहीं, अगर स्मॉल लेटर आया तो एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ में उसने देखा कि क्या मेरा जो लेटर है उसकी एस्के वैल्यू 97 से लेकर के 122 के बीच में है, तो अगर वो स्मॉल लेटर है तो इसके बीच में होगी, क्योंकि स्मॉल लेटर जो होता है ए की 97 होती है और जेड की 122, तो हाँ बिल्कुल है, तो इस ये वाली कंडीशन चल जाएगी। तो हम इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम इस कंडीशन में हमने लॉजिक लगाया छोटे वाले लेटर को बड़ा करने का, तो उसमें कुछ नहीं करना, ऊपर का हिस्सा चिपका रखा है पूरा का पूरा, बस -32 कर दिया। -32 करने से ये होगा, मतलब जो मेरे छोटे वाले की वैल्यू उसमें जब 32 माइनस करूँगा तो मेरे को बड़े उसकी वही लेटर का जो बड़ा वाला वर्जन है, मान लो छोटा जेड है तो उसका जो बड़ा जेड है, कैपिटल जेड है, वो मेरे को मिल जाएगा। इस तरीके से काम होगा, जो भी लेटर है उसका बड़ा वाला मेरे को लेटर, कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा वाला लेटर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद हमने क्या करा, हमने उसको रिजल्ट में जोड़ा। तो मतलब हम करके रहे हैं, जब यहाँ पर कैपिटल मिलता है तो हम उसे छोटा बना के जोड़ देते हैं, और जब छोटा वाला मिलता है उसे हम कैपिटल बना के जोड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो और कुछ मिल सकता है, इसके अलावा क्या नंबर मिल सकते हैं, एट द रेट स्पेस क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क, बहुत कुछ है, उनको हमें कुछ नहीं करना, उनको वैसे का वैसे ही लगाना है, उनको इग्नोर। अच्छा देखो, अगर तुमने इतना प्रोग्राम लिखा ये एल्स भी नहीं लिखा ना, तो भी आउटपुट गलत आ जाएगा, क्योंकि वो सब छूट जाएंगे हमारे जो स्पेस हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हैं और बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर और नंबर हैं, तो उनको हमें करना क्या है, उनको हमें वैसे का वैसे ही लगाना है, तो इसलिए हमने एल्स लगाया। एल्स मतलब अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अलावा कुछ और मिल जाता है तो क्या करना है, तो उसे भाई वैसे का वैसे उठा के चिपका देना है, ठीक है। तो उसमें हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, उस कैरेक्टर को वैसे का वैसे लिया और रिजल्ट में जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको एक बार चला के दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर माई नेम इज अमन, ठीक है, अमन, उसके बाद लगा देता हूँ फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क 12, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें आउटपुट दिख रहा होगा, लिखा आ रहा है माई नेम इज अमन, वो इस चीज़ें है, बस माई छोटा था तो यहाँ कैपिटल हो गया, एन कैपिटल था तो यहाँ स्मॉल हो गया, ए कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, ठीक है, एम छोटा था कैपिटल हो गया, ई छोटा था वो कैपिटल हो गया, मतलब केस उल्टे हो गए, दिख रहा होगा। जैसे अमन में मैंने ए कैपिटल दिया था तो वो छोटा हो गया,
एम छोटा दिया था तो वो कैपिटल हो गया, और फुल स्टॉप ऐसा का वैसी है, एक्सक्लेमेशन और 1 2 सब ऐसी है। तो ये हमारा जो कोड है यहाँ पर हमने लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करके क्या करा है, इनको वो करा है, केस चेंज किया, तो यहाँ पर हमें एस्की वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो बात क्लियर है ना, इसको भी एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। फिर भी डाउट रहता है ना अगर इसमें कुछ, तो मुझसे तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और बताना कैसी लगी है, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।